सिंध में पीपीए की मुफाहमत वाली पॉलिसी जहा बंद पेर भेरों संदन इतिहादी वरी जमायत मुतदा कौमी मूवमेंट तोड़ींदे मुकदस ऐवान के सियासी जंग जो मैदान बनाए छो। पीपीए की चार साल वाली मुफाहमती पॉलिसी की एक गैर मुअज्जब झलक सिंध असेंबली के जुमे ढीह वे इजलास में नजर आई। सिंध असेंबली इजलास वक्ती स्पीकर शैला रजा के सदारत में शुरू थियण का अगु ही एमकेएम के वजीर मेंबर हथन में प्ले कार्ड खड़ी जबरदस्त एहतजाज किया। सिंध असेंबली जो ऐवान मुसलसल एक कलाक तक इं पे लगो जण तो ऐवान न पर कराची जो रीगल चौक हुए। वक्ती स्पीकर शैला रजा हाजी मुनवर अब्बासी आरिफ मुसवा जतोई के धार धार गालायण की इजाजत दिनी तो उन्हें पिण एमकेएम संदन सीटों से वही फिजिकली गालायण का रोकने की कोशिश कई। आरिफ मुसवा जतोई के धिका पिण दिना। जैसे सूबाई वजीर नादर मक्सी एमकेएम के मेंबर विच में दंद चक पिण थ। पुरअमन एहतजाज जमहूरियत जो हुसन समझो वो है पर जुमे ढीह वारा मंजर मुफाहमती पॉलिसी के हुसन की बुछड़ी झलक पेश कर रहा हुआ। एमकेएम के मेंबर न सिर्फ एजेंडा जो कापियों फाड़ियों पर स्पीकर के रोस्टर माडो मौजूद सेक्रेटरी के टेबल से रखल फाइल फाड़ींदे ऐवान जो 19 माइकू तोड़े छड़ियों। वक्ती स्पीकर शैला रजा मेंबर के सीटों से वेहन जो चवंदी रही पर भत्ताखोरी खिलाफ एहतजाज कंदड़ एमकेएम के मेंबर संदन एक भी न बुधी। अड़े माहौल के दसंदे वक्ती स्पीकर वो चई इजलास उमर तई मुलतवी कर छो तो एमकेएम के उन रवैये सबब वो ऐवान हलाय नी चाहे। असेंबली इजलास तो खत्म किया वो पर एमकेएम ऐवान में एहतजाजी मेड़ाको पिण मुनद जैं एमकेएम के सूबाई वजीर फैसल सब्जवारी ए रजा हारून खिताब कंदे चो तो कराची संदन कायद जो शहर है खेन इंतहाई कदम खण से मजबूर न कयो वञे। ऐवान के उन समूरी कार्रवाई से आवाज न्यूज से गलाइंदे वक्ती स्पीकर शैला रजा जो चवण हो तो अजोको ढी तारीख के कारे बाप तौर याद रखो वो जैसे खेस इंताई अफसोस आए। अफसोस की सबसे बड़ी बात यह है कि गवर्नमेंट ट्रेजरी बेंचेस ने ये किया, किसके खिलाफ किया ये मुझे नहीं समझ आया। और एहतजाज का तरीका होता है तमाम पार्टीज को अपने मेंबर्स को लगाम डालनी चाहिए, वो बिल्कुल एहतजाज करें लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि माइक तोड़ दें, अपनी जगह से भागते हुए आए और असेंबली के मुलाजमीन को अपने एमपीए होने का रोब झाड़ें और अपना ताकतवर होने का रोब झाड़ें, कोई भी हो किसी भी पार्टी का हो। ये किसी को राइट नहीं है कि असेंबली के मुलाजमीन को अपना एमपीए मिनिस्टर होने का रोब झाड़े के कहे कि मेरा माइक खोलो।
और ना ही किसी को किसी के माइक तोड़ने का इख्तियार है, ना किसी की जगह पे आने का इख्तियार है। और डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं है कि ताकत का मुजाहरा किया जाए। इजलास में पैदा थे सूरत हाल ते एनपीपी के मेंबर आरफ मुस्वा जतोई स्पीकर के लिखत में कार्रवाई लाए पिण दरख्वास्त दई छड़ी आई। इजलास बाद घरू मामलों के सूबाई वजीर मंजूर वसाण पिण एमक्यूएम के रवैये से अफसोस जो इजहार कदे है तो एमक्यूएम संदन इतिहादी आए संदन तहफजात खत्म कया वा। मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होना चाहिए था क्योंकि असेंबली का तकद्दस है और वैसे तो हम कोलेशन में है लेकिन हमारे एनपीपी के जतोई साहब आरफ मुस्तफा उनको भी इस तरह से धक्का देना मेरे ख्याल में सही रवायत नहीं है। हम भाई हैं, आपस में हैं, फैसला करेंगे और उनसे बात करेंगे कि कोलेशन में, क्योंकि ये तो मैं कह रहा हूं कि इनको हमारे साथ चलना है, रहना है, इलेक्शन भी कठे लड़नी है। जेतोणीक सिंध असेंबली की जुम्मेवारी कार्रवाई में मुफाहमती पॉलिसी जहां बख्या उगड़े नजर अची रहा है पर दिसजे तो पीपी हुकूमत सूमर ढी बीहर थन्दड़ इजलास में कड़ी हिकमत तंबी तय करे थी। नाज़रीन खबरों पंहिंजी पुॼाई।